युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, कहीं उस काले साए का मकसद बदल तो नहीं गया। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, नहीं युग, शैतानी शक्तियों के मकसद इतनी जल्दी बदलते नहीं है, और तारा की शक्तियां पाना तो मुझे उस काले साए का मेन मकसद लगता है। युग झट से कहता है, फिर वो काला साया कुछ कर क्यों नहीं रहा अभिमन्यु, इस तरह खामोशी के साथ बैठा हुआ क्यों है? अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है युग, कहीं वो भी चित्रा आंटी की तरह अमावस्या के आने का इंतजार तो नहीं कर रहा। युग हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, पर वो क्यों अमावस्या के आने का इंतजार करेगा अभिमन्यु? अभिमन्यु गहरी सोच में खोए हुए अंदाज में कहता है, पता नहीं युग, पर मुझे तो यही लगता है कि वो काला साया अमावस्या का ही इंतजार कर रहा है, तभी अब तक कुछ नहीं कर रहा, अगर उसे करना होता तो वो कर चुका होता। युग खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आखिर काला साया अमावस्या की रात क्या करने वाला है। इस तरफ हवेली के अंदर ही हॉल में तारा बैठी हुई थी। जिस तरह युग मायूस था, उसी तरह तारा भी मायूसी के साथ ही वहां पर बैठी हुई थी। इस वक्त तारा हॉल में अकेली थी, वहां पर उसके सिवा कोई और नहीं था। तारा कहीं खोई हुई लग रही थी, उसकी आंखों में डर अभी भी साफ नजर आ रहा था। रात के हादसे से वो अभी तक उबर नहीं पाई थी। तारा वहीं पर बैठी हुई थी कि तभी वहां पर कछुआ आ जाता है। जब कछुआ तारा को मायूस बैठा हुआ देखता है तो वो भी मायूस हो जाता है। उसने आज से पहले तारा को इतना मायूस कभी नहीं देखा था। तारा को देखकर कछुए का मन उदास हो जाता है। उसका मन उदास होना जायज था, क्योंकि ये वही तारा थी जिससे जब वो पहले मिलता था तो तारा हमेशा हंसते खेलते रहती थी, पर आज वो इतना डर गई थी कि उसके चेहरे पर की सारी हंसी गायब हो गई थी। कछुए ने सोच लिया था कि वो तारा को ऐसे मायूस बैठे नहीं रहने देगा। वो तुरंत तारा के पास जाता है और उससे मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कर रही हो तारा बेटी? कछुए की आवाज सुनकर तारा कछुए की तरफ देखती है और उदासी के साथ ही कहती है, वो मम्मा मेरे लिए तुंगरिम बेई बनाने गई है, तो मम्मा ने कहा मैं यहीं पर बैठे रहूं, मुझे किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं उन्हीं के आने का इंतजार कर रही हूं। कछुआ कहता है, अच्छा तो आपकी मम्मा तुंगरिम बेई बनाने गई है, तुंगरिम बेई तो सच में बहुत अच्छी लगती है। तारा बड़े प्यार से कहती है, हाँ कछुआ भैया, मम्मा मेरे लिए तुंगरिम बेई बनाने ही गई है। कछुआ अपनी दोनों भवें एक साथ ऊपर उठाते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने तारा बेटा? तारा अपनी बात दोहराते हुए कहती है, हाँ कछुआ भैया। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा भैया थोड़ी लगता हूँ तारा बेटा। तारा बड़ी मासूमियत के साथ पूछती है, अगर आप मेरे भैया नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं कछुआ भैया? कछुआ हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मैं तो तुम्हारा पा। इतना कहकर कछुआ खुद चुप हो जाता है। कछुआ मन ही मन सोचने लगता है, अब मैं तारा को कैसे बताऊं मैं उसका क्या लगता हूं? मैं प्यार करता हूं वर्चू से, और इस हिसाब से तो तारा मेरी। इतना सोचते ही कछुआ मन ही मन खुश होने लग जाता है, उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। जब कछुआ कुछ नहीं कहता है तो तारा फिर से मायूस हो जाती है। कछुआ धीरे से तारा के पास बैठता है और बड़े प्यार से कहता है, तारा बेटा आपको इस तरह मायूस नहीं रहना चाहिए, आपको तो हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए, बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसे मायूस बैठे हुए नहीं। तारा कुछ जवाब नहीं देती है, वो मायूसी के साथ ही बैठी रहती है। तारा की आंखों में धीरे धीरे एक डर नजर आने लग जाता है, उसके हाथ कपकपाने लग जाते हैं। तारा की आंखों का डर कछुए ने उसे देखते ही भांप लिया था। कछुआ बड़े प्यार से तारा से पूछता है, क्या हुआ तारा बेटी, आप इतना डरी हुई क्यों? तारा फिर कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस डरते रहती है। कछुआ फिर कोशिश करते हुए तारा से कहता है, क्या हुआ तारा बेटी, बताओ ना मुझे, आपके मन में जो भी है आप मुझे बता सकती हो, अपनी सारी बात मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं वो बात किसी को नहीं बताऊंगा, वो बात बस आपके और मेरे बीच में रहेगी। तारा कछुए की तरफ देखते हुए एक उम्मीद के साथ कहती है, आप वो बात मम्मा को भी नहीं बताएंगे कछुआ भैया? कछुआ तारा को अपने ऊपर विश्वास दिलाते हुए बोल पड़ता है, हाँ तारा बेटी, मैं वो बात किसी को नहीं बताऊंगा, आपकी मम्मा को भी नहीं, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो। तारा कछुए की तरफ एकटक देखते हुए कहती है, वो काला साया वापस आएगा ना मुझे लेने के लिए कछुआ भैया? जैसे ही तारा ये बात कहती है, कछुआ एकदम शांत पड़ जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि तारा उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी। तारा फिर कछुए से पूछ पड़ती है, बोलिए ना कछुआ भैया, वो काला साया वापस आएगा ना मुझे लेने के लिए? कछुआ तारा के अंदर हिम्मत भरते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है, वो काला साया यहाँ पर नहीं आएगा तारा बेटी, तुम डरो मत। तारा डरते हुए फिर कहती है, पर अगर वो आ गया तो? कछुआ तारा का हाथ थामते हुए बड़े ही आक्रोश के साथ कहता है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पिछली बार तुमने देखा था ना उसका क्या हाल हुआ था, किस तरह वो डर के मारे भाग गया था। तारा खामोशी के साथ कछुए की सारी बात सुनते रहती है।
कुछ कहती नहीं है। कछुआ फिर बोल पड़ता है, तुम ना तारा बेटी अपने अंदर से सारा डर निकाल दो, वो काला साया इस हवेली के अंदर नहीं आ सकता है, हम यहाँ पर पूरी तरह महफूज हैं। तारा तुरंत पलट कर कछुए से पूछती है, वो काला साया यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता है कछुआ भैया? कछुआ जवाब देता है, वो काला साया इस हवेली के अंदर क्यों नहीं आ सकता ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता। तुमने देखा था ना पिछली बार तुम्हें हवेली से बाहर निकालने के लिए कैसे उस काले साये ने वर्चू, मेरा मतलब है कि तुम्हारी मम्मा का सहारा लिया था, तुम्हें बाहर आने के लिए मजबूर किया था। तारा को वो बात याद आ जाती है और वो तुरंत हामी भरते हुए कहती है, हाँ याद है मुझे वो बात कछुआ भैया। तारा फिर कुछ कहती है, उससे पहले ही कछुआ झट से बोल पड़ता है, तारा बेटा तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन लेने के लिए हम सब है ना, तुम्हारी उम्र टेंशन लेने की नहीं है, हंसने खेलने की है, चलो कुछ खेलते हैं। तारा कछुए की तरफ देखते हुए धीरे धीरे कहती है, क्या खेलेंगे कछुआ भैया? कछुआ खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या खेलेंगे हम? कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो तारा के साथ क्या खेले, ऐसा कुछ जिससे उसके अंदर का सारा डर खत्म हो जाए, क्योंकि तारा को देखकर वो समझ गया था कि तारा के अंदर का डर उसकी बातों से अभी तक खत्म नहीं हुआ था। देखा जाए तो खेलना तो एक बहाना था, कछुए का असली मकसद तो तारा के अंदर का डर निकालना था। कछुआ सोच ही रहा था कि वो तारा के साथ क्या खेले, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो झट से तारा से बोल पड़ता है, तारा टैरो कार्ड खेले? तारा हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा आपने कछुआ भैया, टैरो कार्ड? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ तारा टैरो कार्ड, तुमको पता है ना इससे पहले भी हम सब ने टैरो कार्ड खेला था जब हम ग्रेवयार्ड कोठी में थे। तारा पलट कर कहती है, हाँ कछुआ भैया मुझे याद है, ये वही टैरो कार्ड है ना जो हमारे भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में संकेत देते हैं। कछुआ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ तारा बेटी ये वही कार्ड है, रुको मैं अभी टैरो कार्ड लेकर आता हूँ। इतना कहकर कछुआ वहां से जाता है और कुछ ही देर में टैरो कार्ड लेकर वापस आ जाता है। कछुए ने सोच लिया था तारा कोई भी कार्ड चुने पर वो उन कार्डों में ऐसा फेर बदल करेगा कि तारा को सब अच्छा ही अच्छा बताएगा, ताकि तारा का मन खुश हो जाए, उसके अंदर से सारा डर खत्म हो जाए। पहले तो कछुआ टैरो कार्ड को अलग अलग तरीके से मिक्स करते हुए तारा को खुश कर देता है, उसके बाद तारा को उन कार्डों में से कोई तीन कार्ड चुनने बोलता है। जैसे तारा तीन कार्ड चुनती है, कछुआ तारा का ध्यान दूसरी तरफ करके किसी बहाने से उसे बगल में देखने के लिए बोल देता है और तुरंत कार्ड बदलने लग जाता है। वो कार्ड अपने हाथ में रखने लग जाता है जो वो रखना चाहता था, कुछ कार्ड उसने पहले ही उन कार्ड की गड्डी में से अलग करके रखे हुए थे। अभी कछुए ने एक कार्ड बदला ही था कि उसी वक्त तारा वापस से उसकी तरफ देखने लग जाती है, जिस कारण कछुआ बाकी के दो कार्ड चेंज नहीं कर पाता है। कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है, शिट ये तो गड़बड़ हो गई, मैं बाकी के दो कार्ड तो बदल ही नहीं पाया, बस अब तारा ने बाकी के दो कार्ड अच्छे ही चुने हो वरना फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कछुआ इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तारा उससे झट से बोल पड़ती है, कछुआ भैया क्या हुआ आप क्या सोचने लग गए? कछुआ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं तारा बेटा। तारा पलट कर कहती है, तो फिर आप रुके हुए क्यों हैं? मैंने आपको तीन कार्ड चुनकर तो बता दिए, अब बताइए ना इनमें क्या है, मेरे भविष्य में आगे मेरे साथ क्या होने वाला है? कछुआ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तारा बेटी अभी बताता हूँ, अब देर किस बात की? इतना कहकर कछुआ एक लंबी आह अपने सीने के अंदर भरता है और सबसे पहले वो कार्ड ओपन करता है जो उसने एक्सचेंज किया था। कछुआ बड़े ही प्यार से तारा से कहता है, अरे वाह तारा बेटी आपने तो बहुत अच्छा कार्ड चुना है, ये जो कार्ड है ना इसका नाम है दसन, तुम्हें पता है तारा बेटी ये जो कार्ड है ना इसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव है, ये कार्ड बताता है कि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है, सारी मुसीबतें परेशानियां खत्म होने वाली हैं, परिवार के साथ खुशियों भरे दिन गुजरने वाले हैं। कछुए के मुंह से ये बात सुनते ही तारा के चेहरे पर खुशी आ जाती है, वो मुस्कुराने लग जाती है। तारा के चेहरे पर की खुशी देखकर कछुआ भी खुश हो जाता है, वो धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब होने लग गया था। तारा एक्साइटमेंट के साथ कहती है, कछुआ भैया अगला कार्ड वो उठाइए ना उसमें बताइए क्या है। कछुआ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तारा बेटी अभी उठाता हूँ। इतना कहकर कछुआ वो दूसरा कार्ड उठाता है जो असल में तारा ने चुना था। जैसे कछुआ उस कार्ड को देखता है उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो खुशी आई थी वो मायूसी में बदल जाती है। तारा तुरंत कछुए के चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखते हुए कहती है, क्या हुआ कछुआ भैया आप चुप क्यों हो गए, बताइए ना ये कौन सा कार्ड है। कछुआ एकदम धीरे धीरे कहता है, इस कार्ड का नाम है द हर्मिट यानी सन्यासी। इतना कहकर कछुआ चुप हो जाता है। तारा तुरंत पूछ पड़ती है,
कछुआ भैया, इस कार्ड का क्या मतलब होता है? कछुआ धीरे धीरे ना चाहते हुए भी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तारा बेटी, ये जो कार्ड है ये आत्मविश्लेषण तथा शांति और एकांत की कामना का प्रतीक है, ये एक चेतावनी देता है। तारा तुरंत हैरानी के साथ कछुए से पूछ पड़ती है, चेतावनी? कैसी चेतावनी कछुआ भैया? कछुआ जवाब देता है, ये चेतावनी देता है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, हड़बड़ाहट ना दिखाए, बहुत सोच समझ कर फैसला ले, क्योंकि उस फैसले से आप किसी अपने को खो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, जो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। जब तारा ये बात कछुए के मुंह से सुनती है तो वो फिर से मायूस हो जाती है। कछुआ खुद से नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी अब तक की सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी सिर्फ एक कार्ड की वजह से। तारा भले ही फिर से घबरा गई हो पर उसके अंदर ये जानने की इच्छा और बढ़ गई थी कि आखिर उस तीसरे कार्ड के अंदर क्या था। तारा तुरंत कछुए से कहती है, कछुआ भैया, तीसरे कार्ड में क्या है? कछुआ तारा को मना करते हुए कहता है, रहने दो ना तारा बेटा, मुझे तो ना इस खेल में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, हम कोई दूसरा खेल खेलते हैं। तारा कछुआ को मना करते हुए कहती है, नहीं कछुआ भैया, हम इस खेल को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकते, इसे पूरा करके ही खत्म करेंगे, आप अगला कार्ड उठाइए। तारा कछुए के ऊपर दबाव बनाने लग जाती है और कछुआ भी तारा को उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए कछुआ भी वो तीसरा कार्ड जो सोफे पर रखा हुआ था उसे उठाने लग जाता है। जैसे ही कछुआ उस कार्ड को छूता है, सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।